अगर आपकी स्किन पे सन टैन हो गए हैं, स्किन काली पड़ गई है, बेजान रूखी सूखी सी हो गई है, ड्राई हो गई है, चेहरे पे एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो गए हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, किसी भी प्रकार के अगर आपकी स्किन को लेकर प्रॉब्लम है, तो आज का जो फेस पैक है बहुत ही खास है और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी 100% आपको रिज़ल्ट देगा। आप इसे ज़रूर एक बार इस्तेमाल करें, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये फेस पैक जो मैंने शेयर की हूँ वो आप लोगों को कैसा लगा। मैं जब ये पैक को करी तो मुझे तो 100% रिज़ल्ट दिया, तो आप भी इसे करें और मेरे साथ इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हमने इस पैक को तैयार किया है, जितने ही इसमें कम इंग्रेडिएंट लगे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये दोगुना इफ़ेक्टिव भी है। तो यहाँ पर आपको ले लेना है एक टमाटर और इसे हम बीच से इस तरह से कट करेंगे। हमको इसका पल्प चाहिए तो हाफ़ टमाटर को हम साइड में रख देंगे और हाफ़ टमाटर का हम यहाँ पर पल्प लेंगे। तो देखिए इसको आप इस तरह से निचोड़ के भी इसका जो जूस है वो निकाल सकते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका जो पल्प है वो पूरी तरह से नहीं आता है, बस जूस निकल पाता है, लेकिन हमें यहाँ पर टमाटर का पूरा प्यूरी ही यहाँ पर चाहिए। तो हाफ़ टमाटर को इस तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे यहाँ पर, जो मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसे कद्दूकस अच्छे से कर लीजिए तो ये बिल्कुल ना एक इसका जो जूस भी अच्छे से आएगा, पल्प भी बहुत अच्छे से निकल जाता है। जो टमाटर होता है वो नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, होता है ना कभी हमारे स्किन पे सन टैन हो गए हैं या बाहर कहीं धूप में घूम के आए हैं तो अरे सन टैन हो गया तो हम यहाँ पर ना ब्लीच कर लेते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, तो उसमें केमिकल होता है। तो क्यों ना उससे अच्छा है जो हमें नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को जो ब्लीच करता है वो चीज़ों को हम यूज़ करें। तो जो टमाटर होता है उसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने हाफ़ टमाटर को कद्दूकस कर लिया है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पर हमें लेना है बेसन। बेसन ले लेना है एक चम्मच। बेसन क्या करेगा, आपके पोर्स को, पोर्स में जो जमी गंदगी है उसको बाहर निकालता है, प्लस आपके जो डेड स्किन है उसे भी ये रिमूव कर देता है। तो ये हमारे स्किन को डीप क्लिंजिंग करता है। अब यहाँ पर दूसरा इंग्रेडिएंट हमने ले लिया है एलोवेरा जेल। तो हाफ टी स्पून हमें एलोवेरा जेल लेना है जो हमारे दाग धब्बे को रिमूव करेगा और इसमें कूलिंग एंड स्मूथिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारे स्किन को ठंडक भी देती है। अब यहाँ पर तीसरा इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं विटामिन ई का कैप्सूल। तो एक विटामिन ई की कैप्सूल हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास विटामिन ई की कैप्सूल नहीं है तो यहाँ पर आप 4-5 बूंदे कोकोनट ऑयल की भी डाल सकते हैं। अब ये जो प्यूरी हमने यहाँ पर रेडी किया हुआ था उसे हमें डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आप यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पर तो 2 कटोरी ख़राब कर ली, आप चाहे तो एक ही कटोरी पर जो हमने कद्दूकस किया हुआ था टमाटर उसी पर ही आप बेसन, एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कैप्सूल डाल के आप अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे वीडियो शूट करना है और आप लोगों को दिखाना ही है, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पर बनाया है। अब देखते हैं कि इसे लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले अपने फेस को तो क्लीन कर लेना है हमें कच्चे दूध से या फिर गुलाब जल से कॉटन डिप करके। उसके बाद इस जो पैक है इसको हमें अपने पूरे स्किन पे बहुत अच्छे से ना अप्लाई कर लेना है। तो हम इसे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमें 4-5 मिनट हम अपने स्किन को बहुत अच्छे से मसाज करना है। जितने भी आपको फेशियल स्टेप आते हों उतना आप यहाँ पर अपने फेस को बहुत अच्छे से मसाज करेंगे, जिससे आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करने लग जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलने लगता है तो हमारी स्किन वैसे ही ग्लो करने लग जाती है और जितने भी हमारे यहाँ पर डेड सेल्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। ये डीपली आपकी स्किन को डीप क्लीन करेगा और एक साइन और चमक लेके आएगा। तो इस तरह से हमें 4-5 मिनट तक बहुत अच्छे से मसाज कर लेना है। आप इसे नेक पर भी लगा सकते हैं, अपने गले पर भी लगा के बहुत अच्छे से मसाज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा 4-5 मिनट हो गया है मसाज करते हुए। अब एक लेयर हमारे फेस पे जो पैक बचा होगा उसको हम एक थिक लेयर अपने चेहरे पे अच्छे से लगा के इसे हम सूखने के लिए यूं ही छोड़ देंगे। तो आपको पूरी तरफ बहुत अच्छे से लगाना है, नोज़ पे, फोरहेड पे, अपने नेक पे हम एक लेयर लगा के इसे सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। अब पूरी तरह से आपको नहीं सुखाना है इस पैक को, 60-70% ही हमको इसको सुखाना है। अब वीडियो को पूरा देखिए कि इसे रिमूव कैसे करते हैं ये भी आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जो हमारा हाफ टमाटर बचा हुआ था उसे हमें लेके हल्का सा ना उसको जब हम दबाएंगे तो उसका जो जूस है वो निकलता है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ जब भी हम पैक उतारते हैं तो हमेशा गीले हाथों से या फिर मतलब तभी हमें उतारना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा टमाटर है तो ऑलरेडी उसमें जो रस है उसको हल्का सा जब हम दबाएँगे तो हमारा पैक गीला हो जाएगा और उसके बाद हम उससे बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। तो जो जब हमने एक लेयर अपने फेस पर पैक लगा के छोड़ा था
उसमें आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 8 से 10 मिनट छोड़े थे अपने फेस पे, तो जो भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स डेड स्किन है वो अच्छे से फूल जाते हैं। फिर जब हम दोबारा मसाज करेंगे तो वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा और आपके जो दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन के निशान हैं, वो भी बहुत हद तक जो उसके कलर हैं वो सैड हो जाएंगे। तो अभी हमको यहाँ पर ठंडे पानी से अपने फेस को धो लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंस्टेंट ग्लो देख रहे होंगे मेरे स्किन पे, यहाँ पर मुझे पिंपल हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, बट मेरा जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो इस फेस पे को आप ज़रूर ट्राई करेंगे इस, और मेरे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।